अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर किड्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। एज़ यू ऑल नो मी, माई नेम इज़ मोमल खालिद एंड आई एम योर टीचर। आई एम गोइंग टू टीच यू आवर टूडेज लेसन। सो आवर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश एंड टूडे वी आर गोइंग टू राइट माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक सम सेंटेंसेज अबाउट माई सेल्फ। सबसे पहले हम माई सेल्फ के ऊपर कुछ सेंटेंसेज बनाएंगे, देन हम उसे लिखना सीखेंगे। हाउ कैन वी राइट माई सेल्फ? माई सेल्फ का क्या मतलब होता है? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ माई सेल्फ? माई सेल्फ का मतलब होता है अपने बारे में बात करना, अपने बारे में बताना। सो आज हम करने वाले हैं एक तरह से क्रिएटिव राइटिंग। उसमें हम करेंगे सेंटेंस मेकिंग और हमारा टॉपिक होगा माई सेल्फ। स्टार्ट करें आज का काम। आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, ओके? फिर आपको सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी। एक दिन में तो खैर नहीं आता किसी को कुछ भी, बट ये कि आप प्रैक्टिस करोगे ना डेली बेसिस पे तो आपको आ जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, दिस इज़ मी। कौन है ये? मैं। इफ़ आई एम अ गर्ल और इफ आई एम अ बॉय? अगर मैं लड़की हूँ या अगर मैं लड़का हूँ? When we talk about myself, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं किसी को? अपने बारे में क्या बताते हैं? First of all, we tell our name. सबसे पहले हम अपना नाम ही बताते हैं ना। कोई आपसे पूछता है what is your name, तो आप क्या बताओगे? My name is Dash. अब मेरा नाम मोमल है, तो जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा नाम मोमल है और मैं आपकी टीचर हूँ। तो इसी तरह आप भी जब बताओगे तो आपने बताना है माई नेम इज़ डैश। आप लड़का है तो वो अपना नाम बताएगा, लड़की है तो वो अपना नाम बताएगी। बॉयज़ अपना नाम बताएंगे और गर्ल्स अपना अपना नाम बताएंगी। नाम सबका अलग अलग होता है ना, इंडिविजुअल होता है। सो हमारी क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा माई नेम इज़ डैश, और इस डैश में क्या आएगा? आपका नाम। सो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कहती माई नेम इज़ मोमल, माई नेम इज़ मोमल। और अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या कहते? सो जब हम किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं अपना नाम। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं अपना लड़कियों वाला नाम बताऊँगी, जो हमारा नाम होता है, और अगर मैं लड़का हूँ तो मैं लड़कों वाला नाम बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स के तो डिफरेंट नाम होते हैं ना। और एक और बात होती है, आपको अपने नाम की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि अब आप बड़े हो गए ना, प्रेप में आ गए अब आप, तो आपको अपने नाम की स्पेलिंग भी आई, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लिख के देख लेते हैं। लिखते टाइम आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, स्काई लेटर्स का, रूट लेटर्स का और ग्रास लेटर्स का। जब आप स्काई, रूट और ग्रास लेटर्स का ख्याल रख के राइटिंग करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये कितना अच्छा हमने लिखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले है माई, तो फर्स्ट साउंड किसका आ रहा है? म का, और म साउंड होता है लेटर एम का। M Y My M Y My M Y My Y का साउंड होता है या, और M का साउंड होता है तो my और y का साउंड आपस में मैच नहीं ना कर रहा, तो ये क्या होगा? ये ट्रिकी वर्ड होगा। my के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है नेम। ओके, टेल मी विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर ई, एंड द साउंड ऑफ लेटर ई इज ए। दिस इज लेटर एम, एंड द साउंड ऑफ लेटर एम इज दिस इज लेटर ए, एंड द साउंड ऑफ लेटर ए इज ए। आपको पता है ए ई आई ओ यू वाउल्स होते हैं, हमने पढ़ा था, याद है आपको हमारा प्रीवियस लेसन? अब मैं आपको एक और बात समझाने लगी हूँ।
ध्यान से सुने, जब एक वर्ड में टू वाउल्स होते हैं ना, एक लास्ट में हो और एक ज़रा सेंटर में हो और बीच में कोई वर्ड आ रहा हो, तो जो सेंटर वाला वाउल होता है ना वो अपना मैजिक कर देता है लास्ट वाले वाउल के ऊपर। उससे क्या होता है कि उससे लास्ट वाले वाउल का जो साउंड होता है ना, वाउल लेटर का, वो बंद हो जाता है, वो अपना साउंड ही नहीं बोल सकता, वो खामोश हो जाता है। तो इसके अंदर देखें एम का ही साउंड आएगा, ई का साउंड साइलेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर इस वाले बाउल ने इसके ऊपर क्या कर दिया, मैजिक कर दिया, लास्ट वाले वर्ड लेटर का साउंड बंद हो जाएगा, वो बोल ही नहीं सकेगा अपना साउंड। दिस इज लेटर ए एंड द साउंड ऑफ लेटर ए इज ए। अब हम ए और एम को ब्लेंड करेंगे तो बन जाएगा एम। दिस इज लेटर एन, ओके दिस इज लेटर एन एंड द साउंड ऑफ लेटर एन इज एम, एम, नेम, माय नेम, माय नेम, ओके दिस इज लेटर एस एंड द साउंड ऑफ लेटर एस इज, एंड दिस इज लेटर आई एंड द साउंड ऑफ लेटर आई इज ए। इफ यू ब्लेंड देम टुगेदर देन द साउंड विल बी एस। ऐसे ये थोड़ी सी ना जेड की साउंड में आएगा इज, माय नेम इज। अब यहां पे तो मैंने लिखा है अपना नाम, बट आप लोग यहां पे लिखोगे अपना नाम, ठीक है? अपना नाम भी आप साउंड करके लिख सकते हो। वैसे मेरे नाम की स्पेलिंग है एम डबल ओ एम ए एल, तो अगर मैं साउंड के साथ लिखूं तो दिस इज लेटर एल एंड द साउंड ऑफ लेटर एल इज L. This is letter A and the sound of letter A is A. अगर मैं A और L को blend कर दूंगी तो sound हो जाएगा L. This is letter M and the sound of letter M is L. Mel. अच्छा, फिर है double O. एक sound होती है double O की long O, एक होती है short O. ये भी मैं आपको बताऊंगी दूसरी वीडियो में, बट जो लॉन्ग ओ की साउंड होती है वो थोड़ी सी हम लंबी करते हैं, तो अभी आप फिलहाल यही सीखें, ये लॉन्ग ओ है और मैं इसकी साउंड को कर रही हूँ ऊ, ऊ मल, ऊ मल, एंड दिस इज लेटर एम एंड द साउंड ऑफ लेटर एम इज ऊमल, मूमल, मूमल, सो माय नेम इज मूमल। और एक और बात, जब हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक छोटा सा डॉट होता है, जब हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो हम वहाँ पे इस तरह का एक छोटा सा फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, हमने अपनी बात कंप्लीट कर ली। माय नेम इज मोमल, माय नेम इज मोमल। सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट अवर नेम इन अ सेंटेंस। हम अपना नाम सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे ना वॉट इज़ योर नेम, तो सिर्फ अपना नाम नहीं बताते। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे वॉट इज़ योर नेम, तो मैं खाली मोमल नहीं बोलूँगी, मैं उसको पूरा सेंटेंस में आंसर करूँगी। मैं उसे बोलूँगी माई नेम इज़ मोमल। आप लोगों से भी जब कोई नाम पूछे तो आप लोग उसको सिर्फ अपना नाम ना बताया करें, पूरा सेंटेंस बताया करें। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक अपने बारे में कुछ बात करने की वीडियो दी थी, कुछ क्वेश्चंस ये थे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना नाम, सिर्फ उनसे उनका नाम पूछा गया था तो उन्होंने अपना नाम बता दिया था, डायरेक्टली अपना नाम बता दिया था। तो आपने अपना नाम पूरे सेंटेंस से बताना है, माय नेम इज डैश, माय नेम इज डैश, ठीक है? ओके, अब हमारा सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। माय नेम इज डैश, मतलब अपना नाम बताने के बाद हम बताते हैं हम क्या हैं, हम बॉय हैं कि गर्ल। अगर आप बॉय हो तो आप बताओगे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। और अगर आप गर्ल हो तो आप बताएंगे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। अगर बॉय हैं तो कहेंगे आई एम अ बॉय, और अगर गर्ल हैं तो कहेंगे आई एम अ गर्ल। ओके, टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉय। बॉय का क्या मतलब होता है? बॉय का मतलब होता है लड़का। और गर्ल का क्या मतलब होता है? गर्ल का मतलब होता है लड़की।
तो जो लड़के हैं वो बोलेंगे आई एम अ बॉय, और जो गर्ल्स हैं वो क्या बोलेंगी, आई एम अ गर्ल। देन हम अपने बारे में बताते हैं अपनी एज, यही बताते हैं ना सबसे पहले जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पहले अपना नाम बताते हैं, फिर अपना जेंडर बताते हैं, और देन बताते हैं अपनी एज। अगर आप 5 ईयर्स के हैं तो आप बोलेंगे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, मैं 5 साल का हूँ। अगर आप गर्ल सॉरी अगर आप 6 ईयर्स के हैं तो आप बोलोगे आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, मैं 6 साल का हूँ। और अगर आप 7 ईयर्स के हैं तो आप बताएंगे आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, मैं 7 साल का हूँ। प्रेप क्लास में मोस्टली बच्चे 5, 6, 7 के होते हैं ना, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो वो आपके अपने ऊपर है, आपकी जितनी एज है आप उतनी एज ही लिखोगे। ठीक है, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मैं इतने साल का हूँ या इतने साल की हूँ। फिर हम बताते हैं कि हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। जब हम अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के सामने अपने आप को, तो सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, फिर अपना जेंडर बताते हैं कि हम बॉय हैं कि गर्ल हैं, उसके बाद अपनी एज बताते हैं, देन हम उसे बताते हैं कि आई स्टडी इन क्लास प्रेप, मैं क्लास प्रेप में पढ़ता हूँ या मैं क्लास प्रेप में पढ़ती हूँ। अच्छा, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम वीडियोस बनवाई थी उसके अंदर बहुत सारे बच्चों से पूछा गया था इन विच क्लास डू यू रीड, तो सब ने डायरेक्टली बोल दिया था प्रेप। तो आपने सिर्फ प्रेप नहीं बोलना, आपने एक सेंटेंस में आंसर करना है आई स्टडी इन क्लास प्रेप, मैं प्रेप क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आप क्या बोलेंगे, आई स्टडी इन क्लास प्रेप। और फिर लास्ट में आप बताओगे अपने स्कूल का नेम, ये किसका स्कूल है इतना प्यारा। बताएं मुझे किसका स्कूल है। जी हाँ, ये आपके स्कूल की पिक्चर है। तो लास्ट में आप बताएंगे, आपसे पूछेंगे ना इन विच स्कूल डू यू रीड, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं तो आप कहाँ से सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है आपको, तो आप क्या बताओगे, अपने स्कूल का नाम बताओगे ना। तो आपके स्कूल का नाम क्या है, क्या होता है आपके स्कूल का नाम, किसी को याद है स्कूल का नाम। जैसे भी प्रीवियस वीडियो में आपने मुझे बताया था कि आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, आपने जस्ट बोला था लाहौर मकतब, आपने लाहौर मकतब को भी सेंटेंस में बोलना है। हमेशा बात अपनी सेंटेंस में करते हैं, सिर्फ एक सिंगल वर्ड में आंसर नहीं करते। तो आपने कहना है माई स्कूल नेम इज़ लाहौर मकतब, आप लाहौर मकतब में पढ़ते हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, लाहौर मकतब। माई स्कूल नेम इज लाहौर मकतब। सो आज हमने सीखा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना और हमने इसकी राइटिंग करना सीखी। तो अब आप लोगों ने, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आपने क्या बताना है, माई नेम इज डैश, लिखना भी है और बताना भी है, और सेंटेंस में बताना है और सेंटेंस में ही लिखना है। सेकेंड पे आपसे पूछेंगे व्हाट इज आप क्या हो, बॉय हो कि गर्ल हो, तो आप क्या बताएंगे आई एम अ, अगर आप बॉय हो तो आप बताओगे आई एम अ बॉय, और अगर आप गर्ल हो तो आप बताओगे आई एम अ गर्ल। फिर आप अपनी एज के बारे में बताएंगे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, या फिर आई एम 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आप अपनी क्लास के बारे में बताओगे कि आई स्टडी इन क्लास प्रेप, मैं प्रेप क्लास में पढ़ता हूँ। देन आप अपने स्कूल नेम बताओगे, आपसे पूछेंगे ना इन विच स्कूल डू यू रीड, तो आप बताओगे आई स्टडी इन, सॉरी मैंने लास्ट लाइन को रिपीट कर दिया, इसमें आप बताओगे माई स्कूल नेम इज लाहौर मकतब। सो दिस इज अवर टॉपिक टुडे, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आप मुझे अच्छी सी
ये सेंटेंसेस अच्छे से सेंटेंसेस अपनी नोटबुक पे लिख के दिखाएं जो मैंने आपको बताए हैं, और जिस तरीके से मैंने बताए हैं उसी तरीके से लिखना है। आप लोगों ने स्काई लेटर, रूट लेटर और ग्रास लेटर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।